दिवाळी आहे समृद्धीची आणि आनंदाची। मोठे इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू, मोबाईल, लॅपटॉप घरी घेऊन जा सरळ, सुलभ आणि छोट्या हप्त्यांवर। सोबत स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ स्पीकर, नेक बँड फ्री मिळवण्याची संधी। क्रेडिट कार्डवर मिळवा 2000 ते 10000 ची कॅशबॅक। कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू खरेदीवर मिळवा 10 ते 25% सूट। एक्सचेंज सुविधा उपलब्ध। आयफोनचे अधिकृत विक्रेते पवन मोबाईल अँड इलेक्ट्रॉनिक्स, पाटील टॉवर, कराड तासगाव रोड, पलूस। संपर्क 76661635। घुमान पंजाब येथे देशभरातील शिंपी समाज बांधव एकवटणार 2 मार्चला महाअधिवेशन। घुमान पंजाब येथे भक्ती संप्रदाय संघ व अखिल भारतीय नामदेव क्षत्रिय महासंघ नवी दिल्ली यांच्या संयुक्त विद्यमाने 2 दिवसीय महाअधिवेशन आयोजित करण्यात आले आहे। संत शिरोमणी नामदेव महाराज यांची कर्मभूमी असलेल्या पंजाब राज्यामधील गुरुदासपूर जिल्ह्यातील घुमान येथे होणाऱ्या या महाअधिवेशनाला संपूर्ण देशभरातील शिंपी समाज बांधवांना यासाठी आमंत्रित करण्यात येत आहे। 2 व 3 मार्च 2024 घुमान पंजाब येथे 2 दिवसांचं महाअधिवेशन संपन्न होणार आहे। या अधिवेशनाला उपस्थित राहण्याचे हभप रामकृष्ण बगाडे महाराज व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ नारायणराव पाथरकर यांनी सर्व समाज बांधवांना आवाहन केलेले आहे। ही माहिती प्रदेश प्रसिद्धी प्रमुख संतोष मोळे यांनी दिली। भारतीय नामदेव क्षत्रिय महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे मित्र हरिभक्त परायण बगाडे महाराज, श्री संत रामदेव महाराज भक्ति संप्रदाय, ये दोनों के नियुक्ति से घुमान में बहुत बड़ा महाअधिवेशन होने वाला है। वह तारीख 2 और 3 मार्च 2024 सैटरडे और संडे को आयोजित किया है। आपको मालूम है संत रामदेव जी महाराज करीब करीब 22 साल वहाँ पे रह चुके हैं। उस परिस्थिति में और अपने भारतवर्ष में अपनी संख्या कम से कम 7% लोकसंख्या के मान से होने के बाद, यानी 10 या 12 करोड़ होने के बाद अपन बिखरे हुए हैं। हर एक संस्था अपने इसके ऊपर रजिस्टर हो चुका है। सब पूरे देहरादून से लेके तो तमिलनाडु तक, जगन्नाथपुरी से लेके द्वारका तक, 18 राज्यों में अखिल भारतीय नाम के क्षेत्रीय महासंघ का काम कर रहा है। यदि संभव है तो भी, नहीं संभव है तो भी प्रयास करके, पंजाब में घुमान नाम का एक स्थान है जहाँ नामदेव जी 20 साल रहे और जहाँ से उन्होंने लोगों को जगाने का अपना दायित्व पूरे 50-60 साल निभाया। ऐसे संत नामदेव जी के चरणों में माथा टेकते हुए मैं भी उसी राह पर चल पड़ा हूँ और चाहता हूँ कि आप सब लोग मार्च 2 और 3 संडे और सैटरडे संडे 2 दिन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब परिवार वहाँ आने की चेष्टा करेंगे। सब लोग मिलकर के जब वहाँ आएंगे तो अपनी एक ताकत शासन को दिखाई देगी और जैसे ही अपनी शक्ति का प्रदर्शन होगा वैसे शासन आपके सारे समस्याओं का सुलझाव करने के लिए प्रयत्नशील रहेगा। इसलिए हम सब लोग एकत्र होकर सभी खापे यानी